नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं टॉट पिज़्ज़ा। जिसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है 1.5 कप मैदा। मैंने 1 कप मैदा ये लिया है, 1.5 कप यहाँ डाल दिया बाउल में, 50 ग्राम बटर, 100 ग्राम चीज़, थोड़ा सा ऑरिगैनो और 1 चम्मच शेजवान चटनी। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच मेयो और थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने लिया है यहाँ, कैप्सिकम है, अनियन है और कैरेट है। बाकी आप जो और ऐड करना चाहें, मशरूम, पनीर, वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम रेसिपी को बनाना। तो हम इसे मिक्स करने वाले, पहले मैंने लिया है जो मैदा है वो मैंने बाउल में डाल लिया है और इसके बाद मैं इसे जो 50 ग्राम बटर लिया है मैं इसे डालूंगा और इससे डो को रेडी करूंगा। तो हमने इसमें बटर डाल दिया है और हम इसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगता है मिक्सिंग में थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप इसमें वो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये इससे भी प्रॉपर मिक्स रहेगा। ये देखिए इस तरह, तो देखिए ये हमने इसका ये डो जो है वो तैयार कर लिया है, ये कुछ इस तरह हो गया है। और अब हम इसको बेल के ये जो टाट है हमारी, इस टाट के अंदर बिछा देंगे। हमने जो डो है वो तैयार कर लिया है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पर कन्वेक्शन में बेक करेंगे। और इसे इस तरीके से फॉक की हेल्प से हमने इसमें होल कर दिया ताकि ये फूले नहीं। हमने अपने हायर माइक्रोवेव को 200 डिग्री प्री कर लिया है और करने के बाद मैं जो ये हमने रेडी करी है टार्ट, इसको हम डायरेक्ट स्टैंड पे रखेंगे इस तरीके से। अब इसे मैंने अंदर रख दिया है और मैं माइक्रोवेव का डोर क्लोज करके इसे 10 मिनट के लिए बेक करूँगा 200 डिग्री कन्वेक्शन माइक्रोवेव में। ये देखिए 10 मिनट का टाइम हमने दे दिया है, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ 200 डिग्री पे ताकि 10 मिनट बेक हो जाएगी। जो हमने टाइम दिया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 3 सेकेंड रह गए हैं, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0। अब मैं इसे खोलता हूँ। ये देखिए जो हमारा टॉप है ये पक के रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसमें जो टॉपिंग है वो स्प्रेड करूँगा। अब हम ये जो मेयोनीज है और पिज़्ज़ा सॉस है इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे और इस पे पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो हर तरफ इक्वल और बढ़िया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस, और इसके बाद हम इसमें जो वेजिटेबल है वो स्प्रेड करेंगे लाइक दिस। अब हमने वेजिटेबल डाली है और इसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा मसाला इसमें डालेंगे और ये मैंने इसमें डाला। अब हम इस पर जो चीज़ हमने लिया है वो इस पर स्प्रेड करेंगे। अब हमने इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर दिया है और थोड़ी सी जो वेजिटेबल थी उसका जुलियन हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव में 200 डिग्री पर प्री करके 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए अब हम इसे 200 डिग्री पे प्री करके 10 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। ये मैंने 10 मिनट का टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया, ये प्रीटिंग स्टार्ट और बेकिंग स्टार्ट हो गई है और ये रोटिंग कर रहा है। अब 10 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा। जो हमने समय दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड, और ये जो हमारी डिश है टॉट पिज़्ज़ा ये रेडी है। मैं ऊपर खड़ा हूँ, ये देखिए हमारी जो टॉट पिज़्ज़ा है वो प्रॉपरली रेडी है, चीज़ प्रॉपर बेक हो चुका है, जो वेजिटेबल है वो भी प्रॉपर पक चुकी है और हम अब इसका टेस्ट करेंगे, डिलीशियस टॉट पिज़्ज़ा।